तो भाई लोगों, पुष्पा 2 का ट्रेलर या टीजर आया है। टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे सबसे पहले देख लेते हैं और इसका करते हैं लाइव रिएक्शन, फिर करते हैं बात। 3, 2, 1 गो। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर पुष्पा फरार है चला है कि पुष्पा गंभीर जख्मी भी है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। एक्चुअली ये वही जंगल है जिसके अंदर वो चंदन, लाल चंदन पाया जाता है। भाकरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। सर्च टीम ने ढूंढ निकाली। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं पति के कई भाई साहब, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए। 8 गोलियां लगी है, किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है। बात तो सही है, पुलिस की पुष्पा को मारने की एक साजिश थी। जनता नारे लगा रही है पुष्पा के लिए। पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? वो मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। भगत आई, अब ये ठीक है। बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पता है पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाया। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। एक महीने के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुष्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहाँ? ब्रेकिंग न्यूज़, जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है। ओ भाई साहब, 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा जिंदा भाई जिंदा है। रोल पुष्पा का। हाँ पुष्पा 2। अंजू अर्जुन भाई, बात करें अगर ट्रेलर या ट्रीजर की, जो भी है, ये जो ये दिखाना चाहते हैं उसे तो बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है। स्टैटिक में ही बता दिया ट्रेलर के कि वो किसी जेल से फरार है और पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। कहीं ना कहीं हो सकता है जो शिकावत सर को इसने सबक सिखाया था उसी नहीं तो नहीं कि पुलिस लगा दी इसके पीछे और जेल में डाल दिया था, और जेल से फरार होने के लिए इसे फरार होना पड़ा जिसकी वजह से फायरिंग हुई और जिसकी वजह से इसे 7-8-9 गोलियां जो लग चुकी थी। और उसके बाद ट्रेलर में ये भी बताने की कोशिश की गई है कि पुष्पा, हम सब जानते थे कि पुष्पा पैसे कैसे कमाया था और क्या करता था उनका, वो किसी को नहीं पता था। लेकिन लगता है इस बार के पार्ट 2 में ये हमें बताया जाएगा कि पुष्पा कैसे उन पैसों से गरीबों की मदद करता था, किसी की हार्ट सर्जरी कराता था, किसी की शादी करवाता था, किसी के लिए घर बनवाता था, किसी को खाना खिलाता था। ये हमें इस बार, मुझे लगता है, पार्ट 2 में दिखाया जाएगा सही से। साथ में मुझे ये समझ में आ रहा है कि पुष्पा 2 के अंदर ये लोग आउट ऑफ द कंट्री भी जाएंगे, जैसे जिसमें दिखाया मलेशिया, चाइना और जापान, ऐसी जगह पर भी कुछ शूट दिखाए जाएंगे ऑल ओवर। तो देखो, मुझे ट्रेलर या जो भी था ये ट्रीजर, मुझे मजा आया। तो आपको मजा आया कि नहीं वो कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।